लवली पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट स्टोरी। आप लोग देख रहे हैं डेंटिस्ट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर अंशुल। चलिए आज बात करते हैं पब्लिक टॉयलेट की। पब्लिक टॉयलेट का नाम सुनते ही हम लोग क्या क्या इमेजिन करने लगते हैं, राइट? गंदा, पीला, स्टिंकी, और साथ ही साथ जो हम लोग नहीं इमेजिन कर पाते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस की, जो टॉयलेट सीट के ऊपर होते हैं बट हमें दिखते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज करें तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, जिससे कि आप खुद को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं UTI, यूजुअली ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है, क्योंकि फीमेल की जो यूरिनरी ओपनिंग होती है वो मेल की यूरिनरी ओपनिंग से थोड़ी सी बड़ी होती है। साथ ही साथ फीमेल्स जो होते हैं वो बैठ के पी करते हैं और मेल्स जो होते हैं वो खड़े होकर पी करते हैं, ये उनके लिए बेनिफिट है। सो गाइज, अगर आप फीमेल हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए जिससे कि आप बचा सकते हैं खुद को UTI से और यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन से, UBI से। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वैसे तो बहुत कॉमन है और बहुत नॉर्मल, ठीक हो जाता है, जस्ट आप थोड़ा बहुत मेडिसिन लेंगे अगर डॉक्टर से तो आप ठीक हो जाएंगे। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जब आप टॉयलेट करते हैं, जब पी करते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, फीवर आ सकता है आपको, बॉडी पेन हो सकता है आपको, मतलब कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है तो किस तरीके से आपको हरारत लगती है उस तरीके से आपको लग सकता है। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो आपके अब्डोमिनल में या पेल्विक में, मतलब पेट के निचले हिस्से में पेन हो सकता है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि शायद आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। वैसे ये कम हार्मफुल होता है, मतलब कभी भी ये कुछ मेजर डिसीज को लीड नहीं करता है। ये नहीं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो उससे कुछ बहुत मेजर हो गया हो या कोई किसी की डेथ हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कुछ केसेस में ये किडनी तक इफेक्ट कर देता है। सबसे पहले जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज करने की सोचते हैं, चाहे वो मॉल्स में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो, या कहीं पे भी आप पब्लिक टॉयलेट स्विमिंग पूल के साथ जुड़ा हुआ हो या जिम के साथ जुड़ा हुआ हो, तो जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज करने जाएं या सोचें यूज करने का, तो कोशिश करें कि आप अगर सीट पे बैठ रहे हैं तो आप टच ना करें अपने हिप्स को सीट के ऊपर। आप कुछ इस तरीके से बैठें जो स्क्वैटिंग पोजीशन होता है, उस तरीके से बैठें जिससे कि आपके हिप्स टच ना हो सीट के ऊपर और आप पी कर लें। अगर आप ऐसा कर पाते तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर आपका वेट ज्यादा है या फिर आपका बॉडी बैलेंस उतना है नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो कोशिश कीजिए जो वहां पे टिश्यू पेपर होते हैं उनको आप सीट पे लगाइए। अगर टॉयलेट सीट पहले से गीली है तो वो टिश्यू पेपर ऑब्वियसली गीले हो जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब बैक्टीरिया टिश्यू पेपर के ऊपर भी आ चुका है। तो अब आप टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं बैठेंगे, ऐसा मत कीजिए कि आप टिश्यू पेपर के ऊपर ही बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टिश्यू पेपर को पैर से अपने पूरा घुमा के और अंदर में डाल देना, क्योंकि अब जो बैक्टीरिया, जो भी वहां पे फंगस था, वहां पे जो गीलापन था, वो सब तो टिश्यू पेपर ने ऑब्जर्व कर लिया है। उसके बाद उसको अंदर टॉयलेट सीट में डाल के पैर से घुमा के एंड देन यू कैन फ्लश। फ्लश करने के लिए आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, या तो फिर अपना एल्बो यूज कर सकते हैं या फिर अपना पैर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको डर है या फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं या फिर आप एक ऐसे इंसान है जिसको बार बार UTI होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या आपको प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, पीरियड्स में हैं, क्योंकि गाइस प्रेगनेंसी में और पीरियड्स में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के, या आपने अभी अभी बेबी डिलीवर किया, अगर आपने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है तो आपको कैथेटर तो लगा ही होगा। कैथेटर जब लगता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में तो वो जगह और ज्यादा खुल जाती है और प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाती है, जल्दी इन्फेक्शन कैच करता है। तो अगर इन सब से आप गुजर रहे हैं तो आप यूज कीजिए टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ एवरटीन का टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। ये बहुत ही हैंडी है, छोटा है, बैग में आराम से आ जाता है। 185 इसका प्राइस है, इजी टू यूज एंड इंस्टेंट। इसको आप टॉयलेट सीट पे तो स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको फ्लश के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, और इसको आप वॉश बेसिन के जो टैप है उस पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप ये अगर रखते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, पीरियड्स में हैं, बेबी डिलीवर किया है रिसेंटली और बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, और ऐसा कुछ है कि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी आप इसको जरूर यूज कीजिए। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो बेंजालकोनियम क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसमें है। तो करना आपको है बस इसको अच्छे से शेक करना है आपको, और यूज करने से पहले पूरे टॉयलेट सीट पे स्प्रे कर देना है। 5 सेकेंड के लिए आपको वेट करना है जिससे कि ये थोड़ा सा ऑब्जर्व हो जाए और काम अपना कर दे, उतने में ही जर्म्स को मार देंगे, एंड देन यू कैन यूज टॉयलेट सीट विदाउट एनी वरीज। गाइस ये इंस्टेंट फॉर्मूला है, इट किल्स जर्म्स इंस्टेंटली, मतलब वहीं की वहीं, एंड हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। साथ ही साथ डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आपको स्किन इरिटेशन या फिर आपको
वेजाइनल इरिटेशन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इरिटेशन इसको यूज करने से नहीं होगा। साथ ही साथ बहुत ही माइल्ड एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस है। बाकी दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट फ्रॉम माय साइड। मेरे लिए अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे लिए पब्लिक टॉयलेट एक नाइटमेयर है और यही एक रीजन है कि मैं बहुत लॉन्ग ज्यादा ट्रेवल नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम रियली स्कैर्ड टू यूज पब्लिक टॉयलेट। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, वरीड हो जाती हूँ कि मैं कैसे यूज करूंगी, गंदा होगा, स्टिंकी होगा, उसके बाद जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, कितना कुछ होता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो जरूर ट्राई कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी कमेंट यूटीआई से रिलेटेड है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी और आपके कमेंट्स के आंसर जरूर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, लाइक कीजिए मेरा वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।